हम आ गए बाबू। कैसे नहीं आता? एक और भाबू बीमार और दूसरी ओर आपका भाई आपका आदेश ना मानने की गलती कैसे कर सकता? डोंट माइंड तारा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस घर का सलोनी के बगैर काम चल सकता है। और अब तो लगता है सलोनी यहाँ चिपक कर ही रहने वाली है। तारा, तुम्हारे लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। बी केयरफुल। माता महाराज का लाख लाख शुक्र कि इस घर को फिर से जोड़ दिया। इनकी कृपा बनी रहे इस घर पे सदा। बाबू आइए मेरे साथ। मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपको इस घर में फिर से लेकर आऊंगी। आपका आशीर्वाद ना होता तो शायद मैं अपना वचन कभी पूरा नहीं कर पाती। आज मैं बहुत खुश हूं। मैं भी बाबू, सब कुछ ठीक हो गया। सब नहीं सलोनी, शारीरिक दूरियां तो मिट गई लेकिन दिलों की दूरियां अभी भी बाकी हैं। तारा, जब तक तुझे अपने दिल में ना बसा ले, सब कुछ ठीक कैसे कहा जा सकता है? माता महाराज को दिया हुआ वचन तूने पूरा कर दिया। इस माँ को भी एक वचन दे, तू तारा के साथ अपना रिश्ता फिर से जोड़ेगी। अब मैं आपको वचन देती हूँ, ऐसा ही होगा। लेकिन जो करूंगी मेरे अपने तरीके से। अबू, भाभी सा के प्यार की मुझे भी बहुत जरूरत है और मैं फिर से ये प्यार पाकर रहूंगी। तारा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूं। ऐसा लगता है जैसे इस घर में फिर जिंदगी लौट आई। क्या बात है तारा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। आपकी ना समझी को देखकर मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? ना सलोनी इस घर में वापस आ गए, आप इतनी खुश कैसे हो सकती हैं? तारा, अब ये बात साफ हो चुकी है कि पिया की शादी की वकालत करके सलोनी ने कोई गलती नहीं की। पिया को उसका हमसफर चुनने का अधिकार ना देकर उल्टा हम गलती कर रहे थे। आज तक कभी ऐसा हुआ है सलोनी ने कुछ किया है और उसमें आपको उसकी गलती नजर आई? हर बार हम ही गलत कैसे हो सकते हैं? इस बहस का कोई अर्थ नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ उसको मान लो और बाकी सारी बातें भूल जाओ। I'm sorry, आपके लिए आसान होगा ये सब भूलना, मैं नहीं भूल सकती ये सब। तारा, बहुत दिनों बाद इस घर में खुशियां लौट आई है। क्यों तुम उन खुशियों का स्वागत नहीं कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? झूठी खुशियों के स्वागत में आप दिवाली मना सकते हैं, मैं नहीं। नाहर और सलोनी इस घर के अपराधी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। दो मिनट रुकिए वापस, मैं आपसे ही बात करने आई। सलोनी, अब कहने सुनने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है।
नहीं भाभी साहब, अब भी बहुत कुछ बाकी है। इतनी आसानी से वो रिश्ता कैसे खत्म हो सकता है जो इतने वक्त से हम दोनों को जुड़े हुए था। भाभी साहब, आज इस मंदिर में माँ की मूरत के आगे आपसे ये कहती हूँ कि मैंने कभी जानबूझकर आपका दिल नहीं दुखाना चाहा। मानती हूँ अनजाने में मुझसे बहुत गलतियाँ हुई, लेकिन भाभी साहब, क्या जब छोटी बहन गलतियाँ करती है तो बड़ी बहन उसे माफ नहीं करती? सलोनी, तुम इतना दिखावा क्यों कर रही हो? इस सवाल का जवाब मैं आपसे मांगती हूँ भाभी साहब। ये दिखावा ही सही, लेकिन क्या जरूरत है मुझे इस दिखावे की? क्यों नहीं रह लेती मैं आपसे अलग? कारण सिर्फ एक है भाभी साहब, कि मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती। मुझे इस घर में लाने वाली आप है। मैं नहीं भूल सकती कि जब भी मैं मुसीबत में हुई मुझे सहारा देने वाली आप है। काकिसा की वजह से मेरी जिंदगी में जो तूफान उठा था उसमें मुझे सहारा देने वाली आप ही हैं। आपके बिना बहुत कमजोर, बहुत अधूरी हूं मैं। हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए भाभी साहब। मान गया भाई साहब को, इस उम्र में भी ऐसा स्टैमिना? इस उम्र में भी क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, खबरदार अगर तुमने ये इशारा करने की कोशिश की कि मैं बुड्ढा हो रहा हूँ। हाँ, अरे नहीं भाई साहब, सवाल ही नहीं उठता आपको बुड्ढा कहने का। जो इंसान आधे शहर का चक्कर लगाकर लौट आए और सीधा खड़ा, उसे बुड्ढा कौन कह सकता है? सलोनी, मेरे लिए जूस ले आओ प्लीज। जी। सलोनी, जरा मेरा जूस ले आना। नार, कभी कभी ओरिजिनल होना भी अच्छी बात है। हमेशा मेरी नकल क्यों उतारते रहते हो तुम? हाँ भाई साहब, इंसान को अपने आदर्श की नकल उतारने में कभी शर्माना नहीं चाहिए। अब देखिए ना, सचिन तेंदुलकर की नकल उतारते उतारते वीरेंद्र सहवाग कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अरे भाई, नकल उतारने के लिए भी अकल चाहिए। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आपका छोटा भाई गधा है? अब तुम्हें ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये सवाल था या तुम्हारी अपने बारे में इन्फॉर्मेशन। भाई साहब, ये तो गलत बात है। कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। चाहो तो सलोनी से पूछ लो। क्यों सलोनी, तुम्हारा पति गधा है कि नहीं? अब भाई साहब कह रहे हैं तो सही होगा। वो अपने भाई को मुझसे बेहतर जानते हैं। सलोनी, कहाँ जा रही हो? किचन में आप दोनों के लिए जूस लाने। और सुनो, वो तुम्हारी कोठरी है ना, उस पर ताला लगा दो। अब इस घर में दो रसोई नहीं, एक ही रसोई रहेगी। हरी धवने, ये क्या लड्डू बन रहे? अरे घी डालो, कुछ मुनक्का डालो, बादाम डालो। सूख सा गया है उसका चेहरा, शुभ्रा का। शुभ्रा, कहाँ जा रही बेटा? अपने घर नील के पास। शुभ्रा बेटा, ये बात भूलने वाली तो नहीं है? तू भूल कैसे गई? नील का घर तो बिक चुका है, तूने ही तो उस... जी, लेकिन मनु भाभी, नील अपना... शुभ्रा, कोई नहीं जानता कि नील कब्र से कहां है। बस वो चिट्ठी ही नील कवरसा की आखिरी खबर थी। देवरसा, तुझे क्या सजा देंगे बेटा? तुझे तो ईश्वर ने सजा दी है। आज जब तू उसके पास जाना चाहती है तो वो तेरे लिए बचा ही नहीं। अब तुझे जिंदगी भर ये सजा झेलनी पड़ेगी बेटा। मैं इसी लायक हूं मनु भाभी, जिसने ऐसे कर्म किए हो उसे सजा मिलना बिल्कुल जायज।
अब जो हुआ उसे तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन इतना जरूर है कि नील की यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी और मेरे बच्चे को दुनिया उसी नाम से जानेगी जो नाम नील ने दिया था। तारा क्या हुआ? क्या कह रही थी सलोनी मंदिर में? कुछ नहीं, माफी मांग रही थी। माफी? लगता है सलोनी जैसे लोगों को देखकर ही ये कहावत बनी है कि 100-100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। भाई तारा डोंट माइंड, लेकिन सलोनी के झूठे आंसुओं के बहकावे में आकर अब तक जो कुछ उसने किया उसे भूल मत जाना। याद रखो, गुजरा हुआ कल ही आने वाली कल की नींव रखता है। सलोनी ने जो कुछ किया है उसे भूलना आसान तो नहीं है। जी जी, मैं जानती हूँ कि सलोनी ने जो किया उसे आसानी से माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन जी जी अब बहुत हो गया। अब घर में इतना तनाव मैं नहीं देख सकती। एक छत के नीचे रहना है तो हंसी खुशी क्यों नहीं रह सकते? दो बातें वो सुने मेरी, दो गलतियां मैं उसकी माफ करूं। तारा ये तुम कह रही हो? सही कह रही हूँ जी जी। आज इतने दिनों बाद उनके चेहरे पे खुशी देखी है। हम अपनी नाराजगी के लिए मैं उनसे उनकी खुशी नहीं छीन सकती। ये क्या हो रहा है इस घर में? और तारा तुम्हें क्या हो गया है? सारी मेहनत पर पानी फेर रही हो हमारी। सलोनी का जादू एक बार फिर इस घर पर चलने लगेगा तो इसे हम रोके तो कैसे? सलोनी, तुमने सबको प्रसाद दिया, शायद खुद लेना भूल गई। भाभी साहब, प्रसाद बांटने वाले अपने हाथ से खुद प्रसाद नहीं लिया करते। आप अपने हाथ से ही खिला दीजिए। अरे ये सामान कहाँ लेके जा रही? वो मालिक का हुक्म है कि आज से खाना एक ही रसोई में बनेगा। भाभी साहब, क्या हुआ? भाभी साहब बैठिए, चक्कर आ गया। अब आराम कीजिए भाभी साहब। जानती हैं भाभो, जिस दिन हमारे घर में गट्टे की सब्जी बनती है ना, उस दिन मैं डबल खाना खाता हूँ। और उसे हमारे घर में बनाने का महारत सिर्फ सलोनी को हासिल है। बहुत दिन हो गए हमने उसे खाया भी नहीं, मेरी तो जुबान उसका स्वाद ही भूल गई। भाई साहब, मेरी जीभ की याददाश्त बहुत अच्छी है, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। सलोनी, आज बहुत मन कर रहा है तुम्हारे हाथ के गट्टे खाने की। तो फिर तैयार हो जाइएगा, क्योंकि आज मैं डिनर पर आप सबके लिए वही बनाने जा रही हूँ। वाह! हमारे घर के लॉन में एक शानदार डिनर होगा। मेरी जिम्मेदारी है सब कुछ अपने हाथों से बनाना और आप सबकी जिम्मेदारी है वक्त पर पहुंचना। डिनर आ
साज मिलेगा या साज में ब्रेकफास्ट भी आएगा हैं? भाई खाना किचन में पक रहा है लेकिन खाने की खुशबू यहाँ तक फूट रही है, हैं? काश मैं पतीला होता बाबू तो अभी तक सब्जी का स्वाद चख चुका होता। जीजो साहब आप एक बात भूल रहे हैं, अगर आप पतीले होते तो आज जलते हुए चूल्हे के ऊपर बैठे होते। अरे साले साहब आग तो सलाई लीजिए लगा दी। मम्मी आपने सबको बताया कि नहीं? क्या? Oh my God, I'm so sorry, ईशान मैं भूल ही गई। आप सबको ये जानकर बहुत गर्व होगा कि ईशान ने जो फैमिली ट्री के ऊपर प्रोजेक्ट किया था उसमें उसे A प्लस मिला है। अरे वाह, वो भी फर्स्ट प्राइज। इसमें ईशान की मेहनत तो है ही, लेकिन शायद इनके टीचर्स ने इतने सारे मार्क्स इसलिए दिए होंगे क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे एक फैमिली में रहते हैं। वो भी एक ही पेड़ पर। खाना कहाँ है? खाना खाना खाना। अरे आ गया खाना। जी जल्दी परोसिए, भूख के मारे जान निकली जा रही है। अब भी परोसती। ईशान आओ बैठो यहाँ पे। हाँ गट्टी की सब्जी। ये भाई इधर पहले। एक मिनट। अगर खाना इतना मजेदार है तो भूख को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए। नहीं छलक उठा खुशी का खुमार।